मूवी की शुरुआत एक नरेशन से होती है जहां हमें ये बताया जाता है कि 20 साल पहले बेल ने बीस से शादी कर ली थी, जिसके बाद बीस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ओरेरॉन का राजा बन गया और उसने अपनी शक्तियों से सभी ईविल और उनके साथियों को एक आइलैंड में कैद कर दिया जिसका नाम था लॉस्ट आइलैंड, जहां पर वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही वो लोग वहां से बाहर जा सकते हैं। अब जैसे ही ये नरेशन खत्म होती है हम बेन को देखते हैं जो कि बीस्ट का बेटा है। वो 16 साल का हो चुका है और अगले महीने वो राजा बनने वाला है। बेन अपने मॉम डैड को कहता है कि वो चाहता है कि लॉस्ट आइलैंड के बच्चे यहाँ पर उनके साथ आकर रहे और वो विलेंस के बच्चों को एक चांस देना चाहता है, जिस पर उसके डैड थोड़े नाराज होते हैं। लेकिन बेन उन्हें समझाता है कि उनके पेरेंट्स ने जो किया उसकी सज़ा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए और वो बताता है कि उसने 4 लोगों को सिलेक्ट किया है जिनके बच्चे यहाँ पर आकर उनके साथ रहेंगे, जो थी क्रूएला, जाफार, ईविल क्वीन और मेलेफिसेंट के बच्चे। अब मेलेफिसेंट का नाम सुनते ही बीस थोड़ा भड़क जाता है लेकिन बेन उसे समझाने में कामयाब रहता है और इसमें बेला भी उसका साथ देती है। अब इसके बाद उन चारों बच्चों का इंट्रोडक्शन हमें एक सॉन्ग के जरिए दिया जाता है जहां पर हम उन्हें लॉस्ट आइलैंड में देखते हैं। वो सभी बहुत ही शरारती होते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं। इनके नाम होते हैं मेल, ईवी, कार्लोस और जे। जैसे ही गाना खत्म होता है मेलेफिसेंट वहां पर आ जाती है। वो उन चारों को बताती है कि उन्हें ओरेरॉन में जाकर रहने का मौका मिला है लेकिन वो सभी वहां जाने से मना कर देते हैं, पर मेलेफिसेंट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब वो घर जाती है और बाकी सब बच्चे भी उसके पीछे पीछे आते हैं, जहां पर मेलेफिसेंट उन्हें बताती है कि वो चाहती है कि वो बच्चे वहां पर जाकर उसके लिए गॉड मदर की जादुई छड़ी लेकर आए, जिससे वो सभी इस लॉस्ट आइलैंड से फ्री होकर इस दुनिया पर राज करेंगे। मेलेफिसेंट उन सभी को धमकी देती है कि अगर वो लोग ये नहीं कर पाए तो उन्हें हमेशा के लिए एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो बच्चे वहां जाने के लिए मान जाते हैं। ईविल क्वीन ईवी को एक मिरर देती है जो उसे गॉड मदर की जादुई छड़ी ढूंढने में मदद करेगा और मेलेफिसेंट मेल को एक स्पेल बुक देती है जो उसके काम आ सकती थी, जिसके बाद वहां पर एक कार आती है जो उन चारों को ओरेरॉन ले जाने के लिए आई थी, जिसके बाद वो कार उन सभी को वहां से बाहर ले जाने लगती है और लॉस्ट आइलैंड के बाहर एक मैजिकल पुल बन जाता है जिसकी मदद से वो सभी ओरेरॉन पहुंच जाते हैं। ओरेरॉन में उन सभी का बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है, जहां पर गॉड मदर बेन और उसकी गर्लफ्रेंड ऑड्री वहां पर मौजूद होते हैं। अब बेन उन सभी से मिलता है और उन चारों को ओरेरॉन के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि अब वो लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जीते हैं, जिसके बाद बेन उन्हें डॉक से मिलवाता है जो उन्हें उनके क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बताता है और फिर सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं। अब रात में जब वो सभी अपने रूम में होते हैं तो ईवी अपने मॉम के दिए हुए मिरर से पूछती है कि गॉड मदर की जादुई छड़ी कहाँ पर है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो छड़ी एक म्यूजियम में है। अब वो लोग उस छड़ी को लेने के लिए म्यूजियम में जाते हैं लेकिन म्यूजियम के बाहर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां पर एक गार्ड मौजूद है। मेल अपनी मॉम की दी हुई स्पेल बुक से उस गार्ड को सुला देती है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाकर उस छड़ी को ढूंढ लेते हैं। लेकिन जैसे ही जे उस छड़ी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तभी सिक्योरिटी अलार्म्स बज जाते हैं, जिससे वो सिक्योरिटी गार्ड जाग जाता है और उन सभी को वहां से भागना पड़ता है। अब अगली सुबह उठकर वो सभी लोग अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं जहां पर गॉड मदर उन्हें पढ़ा रही होती है, जिसके बाद गेम खेलते हुए जे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और अपनी टीम मेंबर्स को ही मारने लगता है। कोच को उसका गेम पसंद आता है लेकिन वो उसे बाद में मिलने के लिए बोलते हैं ताकि वो उसे गेम के रूल समझा सके। वहीं दूसरी तरफ बेन मेल से मिलता है और उसे पूछता है कि उसका पहला दिन कैसा रहा। मेल उसे कहती है कि उसका दिन काफी अच्छा रहा और तभी वो वहां से जीन को गुजरते हुए देखती है जो कि गॉड मदर की बेटी होती है, जिसके बाद वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाती है क्योंकि जेन मेल से काफी डर रही थी, तो मेल उसके पास जाकर उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। जेन को मेल का हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो मेल अपनी स्पेल बुक निकालती है जिससे वो जेन का हेयर स्टाइल बदल देती है और जेन उससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जेन को लगता है कि वो सुंदर नहीं दिखती, जिस पर मेल उसे भड़काती है कि गॉड मदर उस पर मैजिक यूज करके उसे भी सुंदर बना सकती है जैसा कि उन्होंने सिंड्रेला के साथ किया था। लेकिन जेन बताती है कि अब उसकी मॉम उस मैजिक को इस्तेमाल नहीं करती है, जिस पर मेल उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अपनी मॉम को मैजिक इस्तेमाल करने के लिए फोर्स करे और जेन वहां से चली जाती है। वहीं केमिस्ट्री क्लास में ईवी चार्ट की तरफ देख रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि उसे अपने लिए एक अच्छा सा प्रिंस ढूंढकर उससे शादी करनी है, लेकिन तभी टीचर उससे एक सवाल पूछ लेता है और ईवी अपने मैजिक मिरर की मदद से
उस सवाल का एकदम सही जवाब देती है, जिससे चैट भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम कार्लोस को देखते हैं। जब बेन उसे गेम के लिए ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी कार्लोस एक डॉग को देखकर बहुत तेज़ी से भागता है और एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है, क्योंकि उसे डॉग से डर लगता था। लेकिन बेन उसे समझाता है कि ये बहुत ही प्यारा डॉग है और वो उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिसके बाद कार्लोस उस डॉग को अपने गोद में उठाता है और उसके साथ खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोच जे को समझा रहे होते हैं कि उसे टीम के साथ मिलकर खेलना होगा, और इसके बाद वो उसे टीम में शामिल कर लेता है। जिसके बाद वो चारों जब अपने रूम में होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेन अपनी मॉम को वो जादुई छड़ी इस्तेमाल करने के लिए नहीं मना पाई है। जैसे ही वो उस जादुई छड़ी को हासिल करने का कोई और तरीका सोचने लगती है, तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। मेल उससे पूछती है कि जिस दिन वो राजा बनने वाला है तो उस दिन गॉड मदर उसे अपनी छड़ी से ब्लेस करेंगी, तो क्या वो लोग उसके साथ सबसे आगे खड़े हो सकते हैं? क्योंकि मेल सोच रही थी कि वो लोग वहीं से उस छड़ी को लेकर भाग जाएंगे। लेकिन बेन उसे कहता है कि सबसे आगे सिर्फ उसके पेरेंट्स और उसकी गर्लफ्रेंड होगी। अब ये बात सुनकर मेल के दिमाग में आता है कि वो किसी स्पेल की मदद से बेन की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ताकि वो उस दिन बेन के साथ आगे रह सके। अब वो लोग रात में उस स्पेल की मदद से एक कुकी बनाते हैं। अगली सुबह मेल बेन को वो कुकी ऑफर करती है, जिसे वो खा लेता है, और उसके बाद वो खेलने के लिए चला जाता है। अब गेम में जे की टीम उसकी मदद से मैच जीत जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और मेल की दी हुई कुकी का असर बेन के ऊपर पूरी तरह से हो जाता है। जिसके बाद वो ग्राउंड में अनाउंस करता है कि मेल उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके लिए एक गाना भी गाने लगता है। जिसके बाद वो उसे कॉर्नेशन सेरेमनी में जाने के लिए पूछता है, जहाँ पर उसे किंग का ताज पहनाया जाने वाला था, जिस पर मेल हार कर देती है। अब इसके बाद केमिस्ट्री क्लास में ईवी को अपना मैजिकल मिरर नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि चैड ने उसके मिरर के बारे में टीचर को बता दिया था और उस मिरर को टीचर ने अपने पास रख लिया होता है। वो उसे क्लास से सस्पेंड भी करने वाले होते हैं, लेकिन डॉग के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। पर इसके बदले में ईवी को एक केमिस्ट्री टेस्ट पास करना था। ईवी उस टेस्ट में पास हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ये लगता था कि वो समझदार नहीं है। तभी वहाँ पर मेल आ जाती है और वो ईवी को उसे तैयार करने के लिए कहती है, क्योंकि वो बेन के साथ एक डेट पर जाने वाली थी। जैसे ही ईवी मेल को तैयार करती है, बेन उसे लेने के लिए आता है, जिसके बाद वो दोनों घूमते घूमते जंगलों के बीच में चले जाते हैं और बेन मेल को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों लंच भी करते हैं। जिसके बाद बेन वहाँ पर स्विम करने लगता है, लेकिन जब मेल कुछ देर तक बेन को वहाँ पर नहीं देखती तो वो बहुत घबरा जाती है और वो पानी में जाकर बेन को ढूंढने लगती है, पर उसे स्विम करना नहीं आता था। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। अब रात में वो सभी लोग उस छड़ी को चुराने वाले प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद ईवी देखती है कि मेल बेन पे किए हुए लव स्पेल को तोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि कल वो लोग छड़ी चुरा कर वहाँ से भाग जाएंगे, जिसके बाद सारे ईविल ओरिडॉन पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद भी बेन मेल से प्यार करता रहेगा, जो शायद कुछ ज़्यादा ही क्रूअल हो जाएगा। इसीलिए वो उस लव स्पेल को तोड़ना चाहती थी। मेल उस लव स्पेल को ब्रेक करने के लिए कुकी बनाने के लिए चली जाती है, ताकि वो उसे अगले दिन बेन को खिला सके। वहीं बाकी सब इस चीज़ से खुश नहीं होते कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर मज़ा आने लगा था और उन्होंने कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जी थी। अगले सुबह बेन सभी को अपनी कॉरिनेशन सेरेमनी में बुलाने के लिए एक सॉन्ग गाकर इन्वाइट करता है, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड को बताता है कि मेल उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है, जो मेल को देखकर उसे उसके बारे में पूछती है, क्योंकि उसने मेल को पहले वहाँ पर कभी भी नहीं देखा था। तभी वहाँ पर ऑड्री आ जाती है, जो उसे बताती है कि वो मेलिफिसेंट की डॉटर है, और वो लेडी मेल को देखकर वहाँ पर बहुत गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और वो कहता है कि उन्हें नई जनरेशन को एक चांस देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उनका मानना था कि उनके बच्चे भी अपने पेरेंट्स की तरह ही ईविल हैं। तभी चैट भी वहाँ आकर उन लोगों को बुरा भला कहने लगता है, जिस पर जे उससे लड़ाई करने लगता है और ईवी उस पर एक स्प्रे छिड़क देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेन के डैड उसे आकर कहते हैं कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जिसके बाद बेन उन चारों के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें ये सभी बातें भूलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग अगले दिन का इंतज़ार करने लगते हैं, ताकि वो उस छड़ी को चुरा कर यहाँ से भाग जाए। अब अगले दिन सेरेमनी शुरू होती है, जहाँ पर मेल बेन के साथ जा रही होती है, जहाँ मेल कहती है कि वो उसके लिए कुछ बना कर लाई है, जब भी उसे एनर्जी की ज़रूरत हो तो वो इसे खा ले। पर बेन से इंतज़ार नहीं होता और वो उसी समय उस कुकी को खा लेता है,
जिसके बाद मेल उससे पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है और क्या वो उससे अभी भी प्यार करता है। जिस पर बेन कहता है कि इसको खाकर प्यार का जादू उतरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इस बात को सुनकर मेल एकदम शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है कि उसे पता था कि उसने उसके ऊपर एक स्पेल किया हुआ था। जिस पर बेन कहता है कि हाँ उसे पता था और उसका स्पेल उनकी फर्स्ट डेट पे ही खत्म हो गया था जब वो इस एन्चेंटेड लेक में नहा रहा था। जिसके बाद मेल उससे पूछती है कि क्या वो उसके बाद से ही उससे प्यार का नाटक कर रहा है। तभी बेन उसे एक रिंग पहनाता है और कहता है कि उसका प्यार झूठा नहीं है। जिसके बाद सेरेमनी शुरू होती है। सभी लोग एक बड़े से हॉल में बेन का वेलकम करते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स और गॉड मदर मौजूद होती है। इस पूरी सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट लॉस्ट आइलैंड पर भी हो रहा होता है जिसे मेल और उसके दोस्तों के पेरेंट्स सभी देख रहे होते हैं। जिसके बाद फेरी गॉड मदर बेन को ताज पहनाती है और अपनी छड़ी लेकर उसे ब्लेस कर ही रही होती है। तभी कोई उसके हाथ से छड़ी छीन लेता है जिससे लॉस्ट आइलैंड का पोर्टल खुल जाता है और मेलिफिसेंट इस मौके का फायदा उठाकर वहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन ये छड़ी मेल ने नहीं बल्कि जेन ने ली थी क्योंकि उसे खूबसूरत बनना था। जिसके बाद मेल उसके पास आकर उससे वो छड़ी छीन लेती है। बेन उसे वो छड़ी वापस देने के लिए कहता है लेकिन मेल उसे मना कर देती है और वो कहती है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें ऐसा करना ही होगा। जिस पर बेन उसे समझाता है कि उनके पेरेंट्स जो चाहते थे उन्होंने वो किया और अब उन्हें वो करना चाहिए जो उनका दिल कहता है। तभी मेल कहती है कि वो बुरी नहीं है और वो अपनी मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसके दोस्तों को भी ये रियलाइज होता है कि वो भी अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है। लेकिन तभी मेलिफिसेंट वहां पर आ जाती है। मेल अपनी मॉम को वापस जाने के लिए कहती है और वो जादुई छड़ी को गॉड मदर को लौटा देती है। गॉड मदर मेलिफिसेंट पे मैजिक करने ही वाली होती है लेकिन तभी मेलिफिसेंट अपनी शक्तियों से सभी को फ्रीज कर देती है। लेकिन मेल और उसके दो स्टैचू नहीं बनते। जिसके बाद मेल अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है और उन्हें समझाती है कि वो उनकी तरह इविल नहीं है। जिसके बाद वो उनके हाथों से छड़ी को छीन लेती है और उसके सभी दोस्त मिलकर मेलिफिसेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी मेलिफिसेंट एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है और मेल और उसके दोस्तों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन मेल उनके सामने आती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी देखते ही देखते मेलिफिसेंट बहुत छोटी हो जाती है क्योंकि वो मेल और उसके प्यार के सामने हार गई थी। जिसके बाद मेल गॉड मदर की छड़ी उन्हें लौटा देती है और सभी लोग इस सबसे बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद बेन के राजा बनने की खुशी में ओरिडॉन में एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है जिसमें सभी लोग गाना गाकर एंजॉय करते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।